हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नट जॉब की तरफ से हेयर रिमूवल स्प्रे का। और मैं बहुत टाइम से ये स्प्रे ट्राई करना चाहता था, सो मैंने ये ट्राई किया, ऑर्डर किया। सो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये यूज करने लायक है या नहीं है। और स्पेशली ये प्रोडक्ट बॉयज के लिए है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, पर लड़कों के लिए बहुत कम प्रोडक्ट्स है। सो दिस प्रोडक्ट केम लाइक दिस। सो ये है नट जॉब का हेयर रिमूवल स्प्रे। सो पैकेजिंग में बोलता हूँ, ठीक ठाक है, कुछ ऐसा है नहीं, कॉमन पैकेजिंग है। और मेनली इन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है हेयर रिमूवल क्रीम। और अगर हम इनकी साइट पे जाते हैं, सो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको। सो इनकी साइट पे कुछ इस तरीके का दिखता है, नट जॉब हेयर रिमूवल स्प्रे 100 ml, 400 rupees का था इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल, ठीक है। सो ये इंटीमेट एरिया और उन सब के लिए भी है जो ये क्लेम करते हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं, फिर उनका कुछ है मेक इट ऑल क्लीन एंड स्मूथ, उनका एड है, मतलब जो अपनी उनकी वेबसाइट पे जाए देखे अच्छे से बॉडी वाला बंदा है, एकदम क्लीन बॉडी है, नो हेयर वगैरह वगैरह। सो या दैट्स देयर क्लेम। और एक वीडियो भी उन्होंने डाल के रखा है प्रोडक्ट का, अच्छे से फोटोग्राफी वगैरह लेके रखा हुआ है, मतलब बढ़िया दिखे वैसा। सो एक वीडियो भी हम प्ले करके दिखा देते कि उन्होंने जो दिखाया है कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना, ठीक है। सो हम वो प्ले कर देंगे प्रोडक्ट का। जैसे कि आपने देखा, ये बहुत सिंपल प्रोसेस दिखाया उन्होंने, दिखाया कि आप स्प्रे लीजिए, स्प्रे कीजिए, ओके, और फिर उसको 10 से 15 मिनट रखिए, जो कि उन्होंने इसमें बोला है। पर उनका जो एक लास्ट में जो पैम्पलेट निकल के आ रहा है, इसी जो उनका वेबसाइट है उसी पे जो एक पैम्पलेट है, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा है कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट और सॉफ्ट स्किन के लिए 7 to 8 मिनट, ऐसा, मतलब चलो मान लेते मैक्स टू मैक्स आपको रखना पड़ेगा 15 to 20 मिनट्स, ठीक है, डन। और कहाँ कहाँ यूज करना है वो सब इन्होंने दिखा दिया है। सो हम आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जहां भी जगह मिलेगी वहां पर वो प्रोडक्ट का वो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सो मैंने इसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है, बट ये कुछ इस तरीके से आता है। आप पैकेज ओपन कीजिए, ठीक है, अंदर से आपको मिलेगा स्प्रे जो होगा ऑलमोस्ट एयर सील टाइट किया गया होगा उसको, मतलब वो क्या बोलते हैं प्लास्टिक से करते हैं ना वैसा वाला। सो प्रोडक्ट का पैकेजिंग इज नॉट बैड एट ऑल, आई रियली लाइक द पैकेजिंग एंड ऑल। और इसमें पीछे यूज करने का जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी लिखा है, क्लीन द स्किन एरिया, होल्ड द स्प्रे बॉटल अपसाइड राइट एंड स्प्रे ऑन द एरिया, अवॉइड हैंड फॉर स्प्रेडिंग द लिक्विड ऑन द, मतलब हाथ लगा के ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्लियर शब्दों में ऐसा मेंशन किया गया है। उसके बाद लिखा है कि वेट फॉर 15 मिनट के लिए वेट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी स्किन को जेंटली वो कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, ओके, और फिर ड्राई टावल या फिर जो भी हो उससे साफ कर लो, तो मतलब हो गया वैसा। और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह, पता चीज 50 चीजें और लिखी है, सो वो आप अपनी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो अब हम जो करने जा रहे हैं वो है इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है, और अंदर से सेम जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया वही चीज सेम निकल के आ रही है। सो आई थिंक ये प्रोडक्ट में पहले ऐसा था 7 to 8 मिनट, पर शायद उनको बहुत सारी मिस्टेक्स आने लगी होगी, इसलिए उन्होंने फिर यहाँ पर स्टिकर लगा के, या पैम्पलेट बहुत ज्यादा छपवा लिए होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा स्टिकर लगा के लिख दिया वेट फॉर 15 मिनट, ठीक है। सो चलिए अब मैंने जो इस प्रोडक्ट को यूज किया है वो फुटेज हम रन कर लेते हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसा, मतलब इसका रिजल्ट वगैरह है। सो फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ये स्प्रे है। सो मेरे को लगा था फोम निकलेगा, बट ये एक्चुअली लिक्विड है। सो अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पर ये पैर पे डाल रहा हूँ, तो आप ग्रोथ देख सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं आते मेरे को पैर पे कोई बाल, मेरे को और लड़कों की तरह बहुत ज्यादा नहीं आते बाल, बट जितने आते हैं उतने, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको बस ऐसे ही स्प्रे कर देने का है,
तो वो जिस तरह से ये लिक्विड वाला आ रहा है ना, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा। पहले हम इतने में लगाएंगे, ज्यादा में नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब आपको इसमें लिखा है 15 मिनट वेट करना है, सो हम 15 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। एलेक्सा स्टार्ट अ 15 मिनट टाइमर। जैसे कि आपने देखा, हमने प्रॉपर एज टोल्ड वही चीज किया, प्रॉपरली पैर पे, और मैंने कम नहीं हैवी मात्रा में लगाया, मैंने जरा भी कंजूसी नहीं की, अच्छे से लगाया, अच्छे से वहां पर स्प्रे कर दिया, और हमने 15 मिनट प्रॉपर वेट किया। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे को और लड़कों की तरह बहुत ज्यादा बाल भी नहीं है, नॉर्मल हेयर जो बोलते हैं, नॉर्मल हेयर ग्रोथ वैसा वाला टाइप का है। सो अब 15 मिनट के बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं आपको। ओके सो गाइज 20 मिनट हो गई है, ये गीला कपड़ा ले लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने दोनों पैरों में अप्लाई कर दिया ऑफ द कैमरा, सो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है इसका। सो अब यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, लेट्स सी। ओह माय गॉड, एकदम लड़कियों जैसी टांगे हो रही है मेरी। मतलब जा तो रहे, अब अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइज फिर फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई किया और हटाया, तो वहां पर अच्छे खासे थोड़े बहुत बाल रह गए थे। एक्चुअली थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा रह गए थे दोनों पैरों को मिला के। मतलब बोलते ना, मतलब परफेक्ट क्लीन होना चाहिए, वो नहीं हुआ प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ स्प्रे। तो जब आप स्प्रे अप्लाई करोगे तो वो ऑब्वियसली बह जाएगा या कुछ भी होगा, आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के पानी जैसा उसको बनाया, बट ठीक है, वो उनकी चॉइस थी। बट वो नहीं एफिशिएंटली वर्क कर रहा था। फिर देन व्हाट हैपेंड, मैंने वापस से सेकंड कोट अप्लाई किया और ऑफ द कैमरा, और सेकंड कोट से भी बाद में साफ किया, फिर भी आप रिजल्ट देखिए क्या है। So, ये रिजल्ट है, ठीक है। जो पहला स्प्रे मारा था ना, उसमें से भी पूरी तरह से बाल नहीं गए, और मतलब समझ लीजिए 2-3 स्प्रे करने पड़ेंगे तब जाके प्रॉपर रिजल्ट आएगा। सो कि इट्स अ वेरी यूजलेस प्रोडक्ट। इसका मेन पर्पस है हेयर रिमूव करना। अगर वो हेयर ही नहीं रिमूव कर पा रहा है तो मैं इस प्रोडक्ट का क्या करूंगा, आप समझ रहे हैं? कोई यूज ही नहीं है ना मेरे को। अगर फिर तो ये लाइक मेरे 400 रुपीज पानी में डाल देने जैसी बात है। मतलब लिक्विड आ गया है, सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट करने का लिक्विड है, बिकॉज ये स्किन सॉफ्ट करता है क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई केमिकल होगा इस तरीके का, जो हमारी स्किन को थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट बना देता है, थोड़ी देर के बाद तो वो भी नहीं रहती है। ऑल्सो अगर हम वीट के साथ इसे कंपेयर करें, सो वीट का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने जो वीट यूज किया था, सो मेरे को ऐसे रैशेज हो गए थे, ठीक है? अगर मेरे पास फोटो होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। सो वीट के रैशेज हो गए थे। सो वीट का सिर्फ यही प्रॉब्लम था, एंड सेकेंड प्रॉब्लम वॉज इट वॉज स्मेलिंग वेरी बैड। ओके, जो कि ये प्रोडक्ट भी करता है स्मेल। पैर पे लगाया था तो स्टार्टिंग में ये स्मेल नहीं कर रहा था, बट विद द टाइम जब 10-15 मिनट होने लगा तो धीरे 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 इसका स्मेल बढ़ने लगा। एंड ऑल्सो मैंने इसको इंटीमेट एरिया में भी यूज किया, वहां तो इसने काम ही नहीं किया। मतलब लिटरली नॉट अ सिंगल हेयर, मतलब एक सिंगल हेयर तक नहीं निकाला। सो मतलब समझ लो, इसका नाम ही है इंटीमेट हेयर रिमूवल स्प्रे, और ये प्रोडक्ट वहीं पर सारा काम नहीं करता है, तो मेरे को क्या काम का है ये प्रोडक्ट? सो ऑल्सो अगर मैं इसको और मतलब कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करूं, जो हेयर रिमूवल है जो मैंने यूज किया है एज अ बॉय, सो मैं बोलूंगा कि वीट ज्यादा एफिशिएंट है अगर वो आपकी स्किन को सूट करता है तो। वो आपकी स्किन को थोड़ा बर्न कर देता है, बट आई थिंक वो सबके साथ नहीं होता, कुछ ही लोगों के साथ होता है। मेरी जैसे स्किन बहुत सेंसिटिव है, सो मेरे साथ हुआ था। सो बट हाँ, जब आप उसको लगा के रिमूव कर रहे हो, सो वो परफेक्टली वहां से हेयर गायब हो रहे हैं। और इस प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप इसको 2 बार लगाया मैंने, ठीक है, और 2 बार के बाद तो, और ये 100 ml है मान लो, अभी आधा हो गया है, समझ लो आधा हो गया होगा कम से कम। सो क्योंकि वेट कम हो गया मुझे पता लग रहा है, तो अगर मेरे दो पैर ही में मैं इसको पूरा खाली कर दूंगा, फिर तो मैं से बॉटल निकाल के निचोड़ ही डालू ना, और हाथ लगाने की मना है। अगर आप उसको स्प्रे कर रहे हो और जेंटली अगर आप रब ही नहीं कर पा रहे हो उस चीज को, रब करके वो नहीं कर पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो हर जगह, तो ये कैसे रहने वाला है? बिकॉज स्प्रे इज गोइंग टू पानी की तरह बह रहा था, क्योंकि जब मैंने लगाया तब भी सेम चीज हो रहा था और बह रहा था। और एक और वर्स्ट पार्ट बताता हूँ कि हमारे जो इंडियन टॉयलेट्स या वॉशरूम्स होते हैं या कहीं पर भी हम करते हैं, सो हमारे नीचे मतलब एकदम स्मूथ
टाइल्स होती है। सो अब अगर इसका जो लिक्विड है वो बह के पैरों के नीचे आ गया तो वो वहां पर इतना स्मूथ सरफेस कर देता है कि आप खड़े भी नहीं हो पाओगे, पैर फिसलना शुरू हो जाते। सो इट्स अ हाई रिस्क, मतलब वैसा वो उससे तो हम देख ही नहीं रहे इसको, ठीक है। अब इन लोगों ने एक छोटा सा सेफ्टी वार्निंग है, डू नॉट अप्लाई। अच्छा ये तो वही है कि कोई भी कट्स हो उस पर अप्लाई नहीं करने का, एक ही जगह पर दोबारा अप्लाई करने के लिए 72 आवर रुक जाइएगा। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्थ इट। अगर मुझे आप पूछेंगे कि इस प्रोडक्ट को मैं 5 में से या 10 में से कितना स्टार दूंगा, सो आई विल गिव इट 1 स्टार, जस्ट बिकॉज ये मेरी स्किन को बर्न नहीं किया इसलिए। बाकी बकवास प्रोडक्ट है। बाय द वे मैंने तो कंपनी को मेल भी कर दिया है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर मेरे को रिटर्न करना है तो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो लोग रिटर्न नहीं करके देंगे, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स में रिटर्न वारंटी या ऐसा नहीं होता है। बस ये लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बस कुछ भी फॉर्मूला बना के लोगों को चिपका देते। और बाय द वे ये लोग शार्क टैंक में आए थे और इनको ऑफर भी मिला था आई गेस, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शार्क टैंक वालों को प्लीज चेक करना चाहिए हर एक प्रोडक्ट कि वो काम करता है या नहीं। और इसकी एडवर्टाइजमेंट जो की जा रही है वो बहुत फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की जा रही है मेरे अकॉर्डिंग। सो मैं ये प्रोडक्ट का रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ, और हम आगे भी अभी प्रोडक्ट के बहुत सारे रिव्यूज करते रहेंगे, हर महीने 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट के रिव्यू करेंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस प्रोडक्ट का रिव्यू करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं ये प्रोडक्ट का रिव्यू इसलिए करना चाहता हूँ, बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो। सो मैं इंडियन लोगों का पैसा बचाने के लिए और लोग ग्राहकों को अवेयर करने के लिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स है, फिर मैं और भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनका नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी बाय फिलहाल, क्योंकि मैं खाली खोखली दावे नहीं करना चाहता। ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया, टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड, इसकी वजह से मैं आपको बोल सकता हूँ दावे के साथ कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है ढंग से। बट और भी प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में मुझे पता है, जो मैंने यूज किए हैं पास्ट में, पर उस टाइम पे मैं ये वीडियोज वगैरह नहीं बनाता था तो मैंने वो मतलब वो करना यूज नहीं किया। जैसे कि वीट का मैंने बनाया था, वीट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट एवर, बट क्या करे लोगों के पास चॉइस नहीं है। बट हाँ, जिनकी स्किन को सूट हो जाता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनकी स्किन को सूट नहीं होता है, इसमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि पहले आप एक छोटे से बैच पे स्प्रे करके देखे, अगर आपको जलन या ऐसा कुछ हो रहा है तो ना यूज करें वैसा वाला। सो दैट्स अ फेयर थिंग, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बट मैं ये कहता हूँ, प्लीज आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये शेयर करें वीडियो, ताकि उनको भी पता चले क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, और अगर वो गलती से भी ये हेयर रिमूवल क्रीम या स्प्रे जो भी बोलते हैं इसको खरीदने का ट्राई कर रहे हैं तो वो ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आपको मिलता हूँ कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।